कराची समेत सिंध में इंटर इम्तिहानात के दौरान इंतजामिया नकल माफिया को रोकने में नाकाम। आज होने वाला फिजिक्स का पर्चा 50 मिनट पहले आउट हो गया। ने हम न्यूज को बताया कि आज पर्चा शुरू होने से 50 मिनट पहले ही सोशल मीडिया की जीनत बन गया। हलशुदा जवाबात भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। याद रहे 27 अप्रैल को केमिस्ट्री का पर्चा भी आउट हुआ था। पर्चा इम्तिहानी मराकज पर पहुंचने से पहले ही नकल माफिया तक पहुंच गया। इंटर का केमिस्ट्री का पर्चा शुरू होने से 50 मिनट पहले सोशल मीडिया की जीनत बना। यही नहीं बल्कि केमिस्ट्री के पर्चे के हलशुदा जवाबात भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। सिंध भर में जारी इंटरमीडिएट के दौरान में नकल माफिया का राज बदस्तूर बरकरार है और पर्चे कमरा इम्तिहान में पहुंचने से कबल सोशल मीडिया पर आउट होने की शिकायत सामने आ रही है। याद रहे इससे कबल भी सक्कर बोर्ड के जेर इंतजाम घोटकी में 22 अप्रैल को होने वाला केमिस्ट्री का पर्चा फोटोस्टेट की दुकानों पर 500 में फरोख किया जाता रहा और सोशल मीडिया पर बनाए गए ग्रुप में भी दस्तियाब था। सिंध के जिला घोटकी की तहसील दहड़की में हाई स्कूल दहड़की और डिग्री कॉलेज मीरपुर माथेलो से केमिस्ट्री का पर्चा आउट हो गया। इंतजामिया एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद नकल की रोकथाम में नाकाम और बोटी माफिया के सामने बेबस नजर आ रहे हैं।